So in this, it says in the given figure, P and Q are the points on the side AB and AC respectively of a triangle ABC. PQ is parallel to BC and divides the triangle into two equal parts, equal in area. Okay, तो इन्होंने हमें बोला है कि area दोनों का बराबर है. Now they are saying कि हमारे पास ratio निकालनी है PA over AB की. So let's try to find out the ratio between it. So in this case, what we can see is that triangle ABC is divided into two parts and equal in area. तो हमारे पास क्या है APQ और ये वाला जो part है वो equal है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों का रिलेशन देखें हम, ट्रायंगल एबीसी का और ट्रायंगल एपीक्यू का, सो इनका रिलेशन से मुझे ये समझ आता है कि जो हमारा एबीसी है वो डबल है किसके रिस्पेक्ट में, ट्रायंगल एपीक्यू में. नाउ इफ़ यू हैव अ लुक, तो हमें क्या निकालना है, साइड्स निकालनी है इनकी रिस्पेक्टिवली. एबीसी के सामने कौन सी साइड आएगी, एबी, और PA के सामने, PA किसका पार्ट है, APQ का पार्ट है. तो 2/1 किसके इक्वल होगा, हमारा स्क्वायर ऑफ साइड्स विच इज़ AB का स्क्वायर विच इज़ AP का स्क्वायर. तो अगर आप स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, √2/1. तो AB ओवर AP आपका क्या आ गया, √2/1. बट हमें निकालना क्या है, ये देखो ध्यान से, हमें निकालना है PA ओवर AB. तो हम इसका उल्टा कर देंगे बस इस वाले पार्ट का. So we'll get PA over AB equal to 1/√2 or 1:2. So you can see C part is the correct answer. So ये बहुत important question है, ध्यान से समझना और इसको करना. Next question देखते हैं.